हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल भाग्य की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके, और ये मेरा वीडियो किचन क्लीनिंग वीडियो होने वाला है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपने किचन को क्लीन कर लूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से और मेरी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं ये कर नहीं पाई थी। तो आखिरकार वो आज दिन आ ही गया। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले मेरा किचन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरी किचन काफ़ी बड़ी तो नहीं है, लेकिन जैसी भी है और जितनी भी है मेरे लिए ये बहुत अच्छी है। तो अब काफ़ी लोगों के हिसाब से मेरी किचन वेल फर्निश नहीं होंगी, ना मेरी किचन मॉड्यूलर है, ये नॉन मॉड्यूलर किचन है। लेकिन मैं यहाँ हमेशा खाना बनाती हूँ, तो मैं अपने किचन को भी अपने मंदिर जैसी रखती हूँ साफ सुथरा, और मैं मेरे इस किचन से सेटिस्फाइड हूँ। तो पहले मैं बता दूँ, अपने किचन का मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरे किचन में जो दो स्लाइड्स बनी हैं, जो हमने बाद में बना के ली थी, ब्लैक कलर की दोनों स्लाइड से, तो ऊपर की स्लाइड्स में मैंने मेरे घर में जो एक्स्ट्रा सामान है किचन सेट से रिलेटेड, जो भी है, बाउल सेट, ग्लास सेट, डिनर सेट, ग्लास, टिफ़िन, लंच बॉक्स, स्टील की प्लेट्स और छोटी स्टील कटोरियाँ, पूरा सामान मैंने जो मेरा यूज़ डेली नहीं होता वो मैंने सारा ऊपर की स्लाइड में रखा हुआ है। और नीचे के स्लाइड में मेरे एक साइड में मेरा माइक्रोवेव ओवन है, और एक साइड में मैंने सारे कंटेनर बॉक्सेस रखे हैं, जहाँ मैं मेरे पल्सेस, बाकी जो भी चीज़ें हैं, चीनी, चाय पत्ती और बाकी जितने भी मसाले हैं, सारे मैं ये नीचे के एक स्लाइड के हाफ साइड में रखती हूँ। और नीचे मेरे पूरे कबर्ड्स बने हुए हैं, तो स्लाइड्स के नीचे वाली कबर्ड्स में मैंने सारे बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं। और जो मेरा गैस उट्टे का प्लेटफॉर्म है, उसके नीचे भी मेरे जो बड़े कढ़ाई बर्तन, बड़े बड़े जितने भी बर्तन होते हैं, इडली पॉट, बिरयानी पॉट, जो भी बड़े बड़े कंटेनर्स है, तवा, पैन, स्टील पैन, नॉनस्टिक पैन, कढ़ाइयाँ, छोटे गंजी, बड़े गंजी, जितने एक्स्ट्रा मेरे पास स्पूनस है, सारे वो नीचे के कबर्ड्स में रखे हो। और एक साइड की बेसिन के नीचे की कबर्ड्स में मेरे एक्स्ट्रा सिलेंडर रखे हुए हैं। तो इस तरीके की मेरी किचन है। काफ़ी लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन मेरे लिए ये मेरी बहुत अच्छी किचन है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी किचन मॉड्यूलर है या नहीं है, छोटी हो बड़ी हो, हमेशा इसे साफ ही रखना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी काम करो दिल से करो, तो यही काम मैं हमेशा करती रहती हूँ। किचन साफ़ रखना, घर को साफ रखना, ये मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। हम लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और काफ़ी वीक भी नहीं है, हम लोग जैसे भी हैं मैं खुद को सेटिस्फाइड मानती हूँ। तो ये बिना किसी हेल्प के, क्योंकि मैंने कभी इसके पहले भी किसी भी क्लीनिंग में या घर में कोई और काम के लिए कभी मेड का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। और ये भी काम मैं खुद ही करने वाली हूँ बिना किसी के हेल्प के। और ये काम करते करते मुझे तो पूरा दिन लग गया था, लेकिन मैं ये उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके और काफ़ी कट वट करके आपको दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ देखिए। सबसे पहले मैंने ये जो जितने भी मेरे यहाँ ऊपर आपको बर्तन दिख रहे हैं, स्लाइड्स के डब्बे बर्तन, सारे मैंने निकाल के सब झाड़ू लगा के वहाँ से डस्ट आउट किया है, उसे अच्छे से घिसनी से घस लिया है, फिर पोछ लिया है। अच्छे से सब पोछने के बाद सारे बर्तन को मैंने घस के साफ करके सुखाया है। उसके बाद मैंने सारे बर्तन लगाए हैं, कंटेनर्स रखे हैं, ऊपर की टाइल्स भी मैंने साफ़ करी है, आप इसी वीडियो में देखते रहेंगे। तो चलो बने रहिए और देखिए।
यहाँ में ऊपर की टाइल्स मुझे घसनी थी तो मुझे प्लेटफॉर्म पे चढ़ना पड़ा और मेरा जो वज़न अभी का हो गया है मेरे से चढ़ना नहीं हो रहा था, लेकिन सफाई तो करनी थी तो जब ठान ली थी तो फिर तो करना ही था। डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाओ, लेकिन जैसी तैसी मैंने ऊपर की टाइल्स भी साफ करी ली जो आप अभी देख रहे हैं। Yeah.